कांवड़ मार्ग पर नेम प्लेट वाले सरकारी ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में बताएंगे आप, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने नेम प्लेट पर अंतरिम रोक को 5 अगस्त तक बढ़ा दिया। हम योगी सरकार के उस हलफनामे का डीएनए टेस्ट करेंगे जिसको लेकर कहा जा रहा है कि योगी सरकार ने नेम प्लेट के जरिए धार्मिक भेदभाव के आरोप को कबूल कर लिया है। लेकिन सबसे पहले आपको उत्तराखंड के सीएम धामी के उस फैसले के बारे में बताते हैं जिसने उन्हें सीएम योगी से 2 कदम आगे कर दिया। वो फैसला क्या है? उत्तराखंड में नेम प्लेट वाला आइडिया फ्लॉप होने के बाद धामी सरकार एक नया आइडिया लेकर आई है। आइडिया क्या है, इन तस्वीरों के माध्यम से जरा आप समझिए। यह आइडिया कांवड़ मार्ग पर लागू भी हो चुका है। हरिद्वार में कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली मस्जिदों और मजारों के सामने यह पर्दा लगा दिया गया। आप देखिए, यहां से कांवड़िए गुजर रहे हैं, उधर एक मस्जिद या मजार थी जिसको कि पूरी तरीके से पर्दे से यहां ढांक दिया गया। यह फैसला लिया उत्तराखंड की धामी सरकार ने। आप देख सकते हैं उसमें हरिद्वार में एक मस्जिद के गेट के सामने पर्दा लगाया और कांवड़िए वहां से गुजर रहे हैं। तस्वीर दिखाई आपको, स्थानीय लोग बता रहे हैं कि 40 साल में यह पहली बार हुआ। और क्या हो रहा है देखिए जरा, ये यहां मजार थी, इसके ठीक सामने सड़क थी और यहां आपको पर्दा लगा हुआ नजर आएगा जो कि उत्तराखंड में नया रेगुलेशन लाग दिया गया। लोग कह रहे हैं कि उन्हें पता भी नहीं कि मस्जिद ढकी क्यों गई है, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने बता दिया कि जो मस्जिदें ढक दी गई, ये जो मजारें ढक दी गई हैं, इनको ढकने के पीछे की वजह क्या है, सरकार ने फैसला क्यों लिया। इसके बाद लगातार विवाद भी हो रहा है, लोग सवाल भी पूछ रहे हैं क्योंकि स्थानीय लोग ये कह रहे हैं कि पिछले 40 सालों में, पिछले 4 दशकों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कांवड़ मार्ग पर जो मस्जिदें पड़ती थी या कांवड़ मार्ग पर जो मजारें पड़ती थी उनको ढक दिया गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको पता है कि जब कोई चीज होती है तो उसमें कुछ ओट लगा देते हैं, तो इस प्रकार से अगर किया गया है तो यही है कि कोई उत्तेजना ना हो, कोई भड़के नहीं और हमारा कांवड़ यात्रा सुचारू रूप से चले, इसका ध्यान रखा गया। इस तरह का पहली बार हुआ है? पहली बार हुआ। आपको पता है जब कहीं कंस्ट्रक्शन होता है तो उसको भी ढक दिया जाता है, तो इस प्रकार से ये किया गया है। अब इसके देखेंगे क्या इसका फीडबैक मिलता है हम लोगों को, उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। जिन्हें आपने सुना उनका नाम है सतपाल महाराज, उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और मंत्री जी मान रहे हैं कि नेम प्लेट के बाद मस्जिदों के आगे पर्दे लगाने की कोई प्रथा भी उत्तराखंड सरकार का आइडिया है ताकि कांवड़ियों की धार्मिक आस्थाएं आहत ना हो। मंत्री जी कह रहे हैं कि वो इस पहल का फीडबैक भी लेंगे लोगों से, लेकिन फीडबैक तो खुद ये वीडियो नहीं दिखा रहा है कि मस्जिद के आगे पर्दा लगाया लेकिन कांवड़िए मस्जिद की दीवार से सटाकर अपनी कांवड़ खड़ी करके कर रहे हैं और मस्जिद के सामने आराम कर रहे हैं। पास ही में उनके मस्जिद के मौल भी बैठे हुए हैं और किसी कांवड़ी की भावनाएं भी आहत नहीं हो रही हैं। ये तस्वीरें जीती जागती गवाह हैं। अब जरा यहां से गुजर रहे कांवड़ियों का फीडबैक ले लीजिए, जो कह रहे हैं कि मस्जिदों को पर्दे से ढकें या ना ढकें उनकी भावनाओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। पर्दा क्यों लगा? इससे कोई फर्क पड़ रहा है आपकी यात्रा में? पर्दा क्यों लगा है इसका कुछ पता है? अच्छा, कभी आप जैसे यात्रा पे जाते हो तो कितनी मस्जिद पड़ती है यात्रा में, कुछ पता है? तो 3 चीजें आपने देख ली, सरकार का फैसला क्या था देख लिया, सरकार के मंत्री क्या कह रहे हैं आपने सुन लिया, और वहां जो कांवड़िए गुजर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं सुन लिया। तो अंदाजा आपको होने लगा होगा कि कांवड़ियों की भावनाएं आहत होने का डर दिखाकर सरकारें क्या क्या कर रही हैं, चाहे नेम प्लेट हो या मस्जिद के आगे पर्दा, इन चीजों से कांवड़ियों की इतनी भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं जितनी सरकारें बता रही हैं या दिखाने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि पहले नेम प्लेट और अब मस्जिदों मजारों पर पर्दा लगाने के आदेशों की चारों तरफ आलोचना हुई, उसके बाद धामी सरकार डिफेंस मोड में आ गई और मस्जिदों से पर्दे हटा दिए गए। तस्वीरें जरा देखिए आप, ये पर्दे खोलने शुरू कर दिए गए हैं लेकिन उत्तराखंड सरकार की मंशा पर पड़ा पर्दा अब पूरी तरीके से हट चुका है। मगा जी, अब के साल ये लगाया पर्दा, पहले तो लगा नहीं है, उन्होंने किस लिए लगाया? मगा ये तो प्रशासन को पता होगा, सुरक्षा की दृष्टि से लगाया या किस वजह से लगाया, लेकिन ये था कि लोग बार रुपये लिए किसान बन गया था, जो हर आदमी यही पूछ रहा था कि भाई ये बीच में पर्दा कैसे लगा, जबकि मस्जिद को चारों तरफ से दिखाई दे रही, पर्दे से कोई लाभ तो हुआ ही नहीं। कारण तो भाजपा की सरकार जाने, ये पर्दे कब उठा रहे हैं, कब गिरा रहे हैं, कहां से, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन
रावण के समय ये पहली बार हुआ। हम भी ये सोच रहे पता नहीं क्यों लगा, क्यों नहीं लगा, अब फिर हटा दिया, अब फिर मतलब प्रशासन ने भी हटाया। फिर यहाँ तो कोई ऐसी बात नहीं, भाईचारा है, सब कुछ प्यार मोहब्बत है। पहली बार देखा, जब से हम अभी कम से कम 30-35 साल हो गए यहाँ पर, ऐसा आज तक कभी नहीं आया। कांवड़िए हर साल चलते हैं यहाँ को, लेकिन पहली बार ही लगाया। तो मस्जिद मजारों पर पर्दे के फैसले पर तो धामी सरकार बैकफुट पर आ गई है, लेकिन यूपी सरकार नेम प्लेट वाले फैसले पर अभी भी फ्रंट फुट पर है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निराशा हाथ लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ मार्ग पर नेम प्लेट लगाने के सरकारी आदेश पर अंतरिम रोक बढ़ा दी है और तारीख तय कर दी कि 5 अगस्त तक ये कम से कम रोक रहेगी। और इसलिए अब हम यूपी सरकार के उस हलफनामे को डिकोड करेंगे जिस हलफनामे को सुप्रीम कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया। हलफनामे की कॉपी मेरे पास में, इसको मानने से इनकार किया गया और कांवड़ मार्ग पर नेम प्लेट लगाने के सरकारी आदेश पर अंतरिम रोक को 5 अगस्त तक बढ़ा दिया गया। अभी देखिए मेरे पास हलफनामे की कॉपी, पहले पेज पर हलफनामे का पूरा इंट्रोडक्शन है। इसे सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया और इस हलफनामे को जब पढ़ा हमने तो पता क्या चलता है, इसमें पता यह चला कि कांवड़ रूट पर दुकानदारों को नेम प्लेट लगाने का ऑर्डर देने के पीछे यूपी सरकार का मकसद क्या था। तो हलफनामा पढ़ते भी रहते हैं और आपको हलफनामे में लिखा क्या है यह आपकी स्क्रीन पर हम दिखाते भी रहते हैं। सबसे पहले लेकिन मैं आपको बता दूं, ये आपको पढ़ के बताऊं, उससे पहले बताऊं कि आखिर यूपी सरकार के इस हलफनामे में नेम प्लेट के पक्ष में वो कौन सा बड़ा तर्क था जिसे सुप्रीम कोर्ट में मानने से इनकार कर दिया गया। हलफनामे का जो पहला पेज जिसमें कि मैं पढ़ के सुनाने वाला हूं वह है पेज नंबर 6। ये मेरे हाथ में और इस हाथ इस कॉपी इसकी कॉपी आपके सामने। खाद्य और सुरक्षा के विनियम 2.1.15 में मानक खाद्य व्यवसायों का लाइसेंस और पंजीकरण खाद्य की धारा 31 के साथ पठित धारा जो कि 31 के साथ पढ़ी जाती है उसके तहत बनाया गया। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या, आप जरा ये देखिए इसमें लिखा है इसके तहत सभी छोटे भोजन व्यवसाय का पंजीकरण आवश्यक है और मालिकों का फोटो आईडी और पंजीकरण प्रमाण पत्र का अनिवार्य प्रकटीकरण यानी कि दिखाया जाना जिसका दुर्भाग्य से अभाव है वो आवश्यक है। ये इसमें लिखा गया पेज नंबर 6 पर। इसी में लिखा गया और सरकार ने बताया कि FSSAI के मुताबिक खाने पीने की हर छोटी बड़ी दुकान पर मालिक की फोटो आईडी और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगा होना चाहिए, लेकिन ज्यादातर ढाबों पर इस नियम का पालन होता नहीं है। ये सरकार कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये हलफनामे में। और इसी के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा जरा वो सुना। उन्होंने कहा कि दुकानों पर नेम प्लेट का आदेश केंद्रीय कानून के मुताबिक ही किया गया है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई अगर ऐसा कोई कानून है तो राज्य की सरकार को इसे सभी क्षेत्रों में लागू करना चाहिए, राज्य के कोने कोने में लागू कीजिए आप, ये सिर्फ कांवड़ मार्ग पर यह आदेश क्यों लागू हो रहा है, अगर ये नियम है तो पूरे प्रदेश के लिए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को एक बात और कही कि जवाबी हलफनामा दाखिल आप कीजिए जिसमें दिखाया गया हो कि इसे सभी जगह यानी पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया। और आसान भाषा में समझाऊं तो सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा कि नेम प्लेट लगाने का अगर कोई कानून है तो फिर इसे सिर्फ कांवड़ मार्ग पर नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में आप लागू कीजिए, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने। और कहकर सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से यूपी सरकार की मंशा पर सवाल उठा दिया। वैसे नेम प्लेट वाले फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ताओं की एक और दलील है, वो दलील ये कि इस फैसले के जरिए मुस्लिमों का बहिष्कार हो रहा है। तो इस आरोप का जवाब भी यूपी सरकार ने इस हलफनामे में दिया है, वो जवाब क्या है अब जरा आप वो सुनिएगा। मुजफ्फरनगर पुलिस के निर्देश सिर्फ कांवड़ यात्रा के दौरान यानी 22 जुलाई से 6 अगस्त तक के लिए है। ये पेज नंबर 8, पॉइंट नंबर 16 और ये जो पॉइंट नंबर 16 है ये जरा आप देखिए यहां पर, इसमें दोनों तारीखें दी गई 22/7/2024 से और 6/8/2024 तक। ये लाइन आप याद रखिए और आप ध्यान रखिए कि मैंने बताया क्या था आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक कब तक लगाई है, 5 अगस्त तक। यह आदेश कब तक लागू है, 6 अगस्त। इसमें लिखा गया है कि निर्देशों की अस्थायी प्रकृति से यह सुनिश्चित करते हैं कि वो खाद्य विक्रेताओं पर कोई स्थायी भेदभाव या कठिनाई ना पहुंचाए, साथ ही कांवड़ियों की भावनाओं और उनके धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं को बनाए रखे। हलफनामे के इसी पॉइंट को पकड़कर याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि इससे पता चलता है कि यूपी सरकार ने मान लिया कि थोड़े समय के लिए सही लेकिन हमने भेदभाव किया है।
लेकिन हलफनामे में जो बातें यूपी सरकार की तरफ से कही गई उससे एक बात तो साफ हो जाती है कि नेम प्लेट वाला फैसला कांवड़ियों के हित में लिया गया था। यूपी सरकार कह रही है। अब इसी में एक और दिलचस्प चीज बताता हूं, इसी का पेज नंबर 6 पॉइंट नंबर 13। इसमें कहा गया है कि करोड़ों ऐसे तीर्थयात्री हैं जिनमें कई लिटरेट यानी कि साक्षर यानी कि पढ़े लिखे नहीं होते हैं। ये इसमें कहा गया है, इट इज ऑब्वियस दैट फॉर द करोड्स ऑफ सच पिलग्रिम्स मैनी ऑफ हुम आर नॉट लिटरेट एंड हु आर वॉकिंग बेयर फुट विद रिलीजियस फेवर इवन स्मॉल कंफ्यूजन रिगार्डिंग द काइंड ऑफ फूड दे आर सर्व्ड हैज द पोटेंशियल टू हर्ट द रिलीजियस सेंटीमेंट्स एंड कॉज फ्लेयर अप्स। यानी कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते, धर्म के उत्साह में नंगे पैर चलते हैं, अगर उनको दिए जा रहे भोजन में जरा भी कंफ्यूजन हो जाता है तो उनकी धार्मिक भावनाएं भड़क सकती हैं, खासतौर पर मुजफ्फरनगर जैसे कम्युनली सेंसिटिव एरिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट यूपी सरकार के हलफनामे में नेम प्लेट के बचाव वाली दलीलों से संतुष्ट नहीं हुआ और अंतरिम रोक को 5 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा आदेश साफ है, अगर कोई अपनी मर्जी से दुकान के बाहर नाम लिखता है तो हम उसे रोक नहीं सकते। हमारा आदेश था कि नाम लिखने के लिए कोई भी किसी भी दुकानदार को मजबूर नहीं कर सकता। तो कोर्ट के ऑर्डर के बाद अब पूरी कांवड़ यात्रा के दौरान नेम प्लेट वाला सरकारी ऑर्डर लागू होने की संभावना ना के बराबर है। 5 अगस्त को इस मामले की सुनवाई होगी। अगर 5 अगस्त को मामले को सुनवाई होकर के और एंट्री ऑर्डर को वापस ले लिया जाता है तो ये यात्रा जो है कांवड़ यात्रा 20-21 अगस्त तक चलने वाली है, तो कांवड़ियों को उस दरमियान सहूलियत मिलेगी। लेकिन जब तक ये आदेश है और नेम प्लेट डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया जाता है तब तक तो ऑफकोर्स कांवड़ियों के लिए एक चिंता का विषय है।